जी प्रभु बोलिए क्या। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरे नदी नारे पड़े तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ते को मारे और दुश्मन दावागिरी हो तो तिन्हें भी झारे। वाह 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 प्रभु, थोड़ा सा इसको समझाना जरा। जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई लाठी हो तो नदी नाला पार करना, जैसे मान जा रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं और कहीं खड़ा उड़ा पड़ गया, नदी पड़ गई तो लाठी होगी तो उससे टोह लेंगे आगे, इतना गहरा है जी, है जी। और कुत्ता आवे काटने को तो उसको भी मारेगा, और दुश्मन दावागिरी करे, कोई दुश्मन मिल जाए, कोई भी मिल जाए, तो उसे भी झाड़ेगी। तो मित्रों ये बात आज चली यहाँ पर माँ गंगा जी के चरणों में बैठ करके प्रभु के संग। और यहाँ पर एक संदेश और मैं देता हूँ, और आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमारे देश में बहुत सारी बंदूक लाइसेंसी बंदूकें हैं, इसका अर्थ या जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बैंकों में है, एटीएम में है, वो गोली चलाते नहीं है रोज ना। लेकिन साथ रखने से सुरक्षा रहती है। जरूरी नहीं कि वो लाठी की प्रयोग हो ही, लेकिन साथ रहने से आत्मविश्वास होता है अंदर और सुरक्षा रहती है। तो समझ जाओ सनातनियों, अपने पास सामान रखो, जरूरत ना पड़े तो अच्छी बात है, और पड़ जाए तो कहां लेने भागोगे, साथ में रखो, समझ जाओ। अरे हिंदुओं सनातनियों समझ जाओ, समय है ये समझने का। हर हर गंगे, हर हर महादेव। महादेव मित्रों, शमशान घाट में चबूतरा जो बनवाया गया उसकी सेवा के लिए आप भाई बहनों ने ये सेवा राशि भेजी थी। बबीता कौशिक जी 1100, किरण गोयल बहन जी 1100, लक्की गुप्ता भाई जी आए थे यहाँ से, पर बाबा जी से मिलकर भी गए वो शमशान में, 2100 उन्होंने दिए। विक्की शौकीन 1100, अरुण गोयल जी 1100, टोटल आए 6500। वैसे तो आप सभी भाई बहन ही हैं मेरे, परंतु ये विक्की शौकीन मेरा छोटा भाई है, जब इसने देखा कि यहाँ के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो फिर 1100 उसने भेजे थे। आप सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद और बहुत पुण्य कार्य किया आपने। ये खर्च का हिसाब है, 6500 आए थे मिस्त्री और मजदूर के, मिस्त्री के 800, मजदूर के 600, 1400 रुपये ये हो गए। और ईंटें आई थी 400 ईंट, 2 सीमेंट के कट्टे और 15 डस्ट की कट्टे आए थे, तो 4100 रुपये उन्होंने लिए हैं, परंतु इसके बन रहे थे ज़्यादा, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे बन रहे थे। मित्रों ये सामान जिस भाई जी के यहाँ से आता है, जब शिव परिवार की स्थापना आप भाई बहनों ने की थी शमशान घाट में, तो वहाँ के लिए भी उन्होंने ईंटें अपनी ओर से दी थी, सेवा दी थी, और अभी भी उन्होंने ईंट उनको स्वयं को पड़ती है 6.50 रुपये की, आगे वो जब ट्रॉली भर के या ट्रक भर के जाता है तो 7.20 रुपये की बेचते हैं, परंतु उन्होंने मुझे 6.50 रुपये की ही ईंट लगाई 400, और उसमें भी फिर उन्होंने टोटल उनका 4600 रुपये बन रहा था, उसमें भी उन्होंने 500 रुपये अपनी ओर से सेवा कर दी, उन्होंने 4100 रुपये लिए, ये ऐसे उन्होंने भाई ने सेवा करी। और वो वीडियो भी नहीं बना देते मुझे कि नहीं भाई जी अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम का गुणगान नहीं किया जाता, दान का गुणगान नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी अगर दान करता हूँ तो मैं अपनी श्रीमती जी को भी नहीं बताता कि आज मैंने ये किया है। क्या हमारे बुजुर्गों ने कहा है, दान एक हाथ से कर दो दूसरे हाथ को पता ना चले। और बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, मैं स्कूल, हमारे घर के सामने मंदिर बना था और मैं छोटा बच्चा था, तो वहाँ पर मैं देखता था कि पंखे के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, तो मुझे उस समय वो बहुत बुरा लगता था कि अरे लोग दान तो दे रहे हैं लेकिन देखो दिखावा कितना कर रहे हैं कि मैंने ये किया। अरे भाई तुम्हें किसी ऊपर वाले ने दिया तब ये तुमने किया, उसका कृपा मानो कि आपको उसने कुछ दिया तब आप आगे कुछ कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, देने के योग्य उसने बनाया। तो नाम कभी भी, हमारे बुजुर्ग कहते आए, संत महात्मा कहते आए कि नाम दान का अगर कर दिया आपने, यश के लिए अगर दान किया कि मेरा नाम हो जाए तो उसका पुण्य नहीं मिलता फिर, क्योंकि आपने तो यश ले लिया, नाम ले लिया। परंतु यदि दान कर किया जाता है, गुप्त दान बोला जाता है हमेशा ही, उसका गुणगान नहीं किया जाता कभी भी कि मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आप सभी भाई बहन ऐसे हैं कि बहुत अच्छे और सुंदर सेवा करते हैं, अच्छा दान करते हैं, और आप कभी भी कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं करते हैं कि मैंने ये किया, और ये मुझे करना पड़ता है, मेरी व्यवस्था है, अपने सामर्थ्य अनुसार मैं भी करता ही, उसकी कृपा से वो करवाता है। तो कभी कभार छोटा मोटा मैं इसलिए बता भी देता हूँ अपनी ओर से कि आप भाई बहनों को थोड़ी सी प्रेरणा मिले, अन्यथा आप सबको, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी सभी, आप सबको पता है कि यदि दान करने के बाद कहीं पर नाम लिखवा दिया तो वो दान व्यर्थ चला गया। और कुछ लोग तो खुद लिख देते हैं अपना नाम कि मैंने ये किया। अरे भाई
नाम के लिए आपने दान किया, वो पुण्य तो गया पानी में। ये नाम आप नहीं लिखवाते मुझे, आप अनेक बार मुझे कह चुके हैं कि आप ये ना हिसाब ना दिया करें, हमें आप पे विश्वास है, आपका ये विश्वास बना रहे, बारंबार कहता हूँ, विशेष करके मैं नए भाई बहन जो जुड़ते हैं उनके लिए कहता हूँ कि आपका विश्वास बना रहे, इसी के लिए मैं ये हिसाब आपको दिखाता हूँ। आप लोग नहीं कहते कि नाम लिखो हमारा, मुझे लिखना मेरी व्यवस्था है, मेरा कर्तव्य है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और एक बात बोलना मैं भूल गया था, एक बहन जी हैं बबीता कौशिक जी, वो लगभग हर महीने मुझे 1000 रुपये भेजते हैं और वो मुझ पर छोड़ते हैं कि वो पैसा कहाँ पर सेवा में लगाना है, और 1000 रुपया इसमें उस पिछले उसमें से बचा हुआ है तो 2000 हो गए, वो देखेंगे कहाँ लगाने हैं। और ये 1500 रुपये मुझे भेजे थे पवन सैरवत भाई जी ने, तो अजगर वाले महाराज जी, हनुमान दास महाराज जी की सेवा में जब भी मैं जाता हूँ, ये उनके पैसे से उनकी सेवा हो चुकी है, 1490 रुपये बने, 10 रुपये मैंने उनको कैश दे दिए हैं, उनके 1500 पूरे हो गए। पवन सैरवत भाई जी बहुत धन्यवाद, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस कॉपी में अनेक अनेक कार्य हैं जो आप भाई बहनों ने किए हैं। शिवाला, ये पहला कार्य था हमारा, शिवाला मंदिर हेतु सहायता राशि, और ये सब मूर्तियाँ आई थी शुरुआत में, ये सब आप भाई बहनों के किए हुए पुण्य कार्य हैं। ये अभी लिखा था शमशान वाला चबूतरे का, ये उससे पहले भी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कॉपी इसने पीछे से लिखने क्यों आरंभ की, जब कॉपी ये पहला काम आपने किया था शिवाला में बिजली का मीटर लगवाया था, तब मुझे नहीं पता था कि इसके बाद और इतने सारे काम होंगे, तो मैंने सोचा था कि अरे जरा सा काम है पीछे के पेज पर लिख लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा ही पता था कि वो आप फिर भाई बहन इतने सारे और सुंदर कार्य करते रहेंगे, बाबा की कृपा, माँ की कृपा से ये होते रहेंगे, और हो सकता है माँ बाबा की कृपा से आप भाई बहन आगे भी ऐसी सेवा करते रहें। मेरे अंदर से मित्रों ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच समझ कर ये कार्य करता हूँ या आप भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ ये कार्य करवाने की, मेरे अंदर से एकदम से आवाज़ आती है कि यहाँ पर ये कार्य हो जाए तो अच्छा हो, तो मैं उसको मेरे विचार नहीं मानता, मैं उसको मेरे माँ बाबा की कृपा मानता हूँ कि उनका आदेश आता है कि यहाँ पर ये कार्य हो जाए, और आप भाई बहन करने वाले हैं, मैं तो कुछ हूँ नहीं, तो ये उनकी कृपा से और आप भाई बहनों की सेवा सहायता से हो जाते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत 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 नमन वंदन साधुवाद, और माँ बाबा आप सभी भाई बहनों को और दें ताकि आप सभी ऐसे सुंदर पुण्य कार्य करते रहें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और एक बार फिर बोलता हूँ मित्रों कि इंसान हूँ, गलती होने की पूरी पूरी संभावना है, यदि हमेशा की तरह बोल रहा हूँ, यदि किसी भाई ने बहन ने पैसा भेजा हो और उसका नाम मैंने ना लिखा हो तो 4 गाली के साथ आपका अधिकार है, मुझे आप कमेंट में लिखें कि मैंने पैसा भेजा था, तू खा गया क्या, तूने वो क्यों नहीं लिखा। वैसे ऐसी संभावना कम होती है परंतु हो सकती है, इंसान हूँ, और इससे स्पष्टता आती है कि हाँ जिन्होंने पैसा भेजा सबके नाम लिखे हुए हैं। कुछ लोग जिन जो पैसा नहीं भेजते ना, वही लोग शक करते हैं, संदेह करते हैं कि ये पैसा खा जाता होगा, तो उनके लिए विशेष करके मैं ये लिखवाता हूँ, बोलता हूँ कमेंट में 4 गाली के साथ लिखिएगा कि मेरा नाम नहीं लिखा, सबका नाम लिखता हूँ, सबका एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ, गंगा जी किनारे माँ के चरणों में थोड़ा सा पुण्य कमाने आया हूँ, पाप कमाने नहीं आया हूँ। जय गंगा मैया। हर हर गंगे मैया जी, हर 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 महादेव। मित्रों आज बरगद के पास चबूतरा बनना है, सामान आ गया है, सीमेंट ईंट, और चलो आपको वो स्थान दिखाता हूँ गमला बनने से पहले, क्योंकि बनने के बाद फिर अलग हो जाएगा, तो पहले भी एक बार दिखा देता हूँ, वहाँ पर गमला बनेगा, यहाँ देखिए चारों ओर चबूतरा बनेगा। महादेव, जय गंगे मैया, हर 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 गंगे मैया जी, महादेव। लग तो ठीक रही है, बाकी मैं थोड़ा सा और पास आके देखता हूँ, और मजबूत काम करना। हाँ, जय गंगे मैया, महादेव महादेव महादेव। मित्रों देखिए शेप आ गई है, सुंदर हो गया है, अब प्लास्टर करना है और उसके बाद ये वृक्ष सुरक्षित हो जाएगा। और यहाँ पर गंगा जी स्नान करने लोग आते हैं, तो पहली बात तो बैठने को जगह नहीं थी, तो ये बैठने को जगह हो गई, और दूसरा नहाते थे तो कपड़े या बैग रखने की जगह नहीं थी, तो कपड़े और बैग यहाँ रख करके स्नान कर सकते हैं, और कल को छाया हो जाएगी तब तो आनंद ही आनंद है। और जिन भाई बहनों ने इस सुंदर कार्य के लिए सेवा भेजी है उनके नाम अभी पैसे मैंने दिए नहीं हैं, तो उनके नाम और उनका सहयोग मैं दिखाऊंगा वीडियो में, हमेशा की तरह जैसे दिखाता ही हूँ। हर 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 गंगे मैया जी। और ये जो गंगा जी के बीच में ना हर साल टापू बनता है, गंगा जी इस टापू के उधर भी रहती हैं इधर भी रहती हैं, और पिछले से पिछली बार तो यहाँ पूरा जंगल था इस टापू पर, पिछली तेज़ बारिश में बहुत बह गया, अब सूखे वृक्ष बचे हुए हैं,
और इस बार ये टापू इतना लंबा हो गया पीछे तक, पहले पहले होता था यहाँ तक बस, और अब ये पूरा पीछे तक ये पूरा टापू लंबा टापू हो गया है ये। अब यहाँ से गंगा जी इधर भी रहेंगी और उधर भी, दोनों साइड रहेंगी लंबा। देखिए ये यहाँ से शुरू होकर के और पहले रहता था यहाँ तक, और अब तो ये और पीछे तक है, जहाँ से जहाँ दिख नहीं रहा है उसके भी पीछे तक है। हर 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 गंगे मैया जी, महादेव महादेव महादेव, हर हर गंगे मैया जी। बढ़िया चबूतरा बन गया मित्रों, आप भाई बहनों की सेवा से माँ गंगा जी के श्री चरणों में। आप जो भी यहाँ पर स्नान करते हैं वो अपना बैग यहाँ रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, यहाँ स्नान के पश्चात बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। वैसे भी कल को वृक्ष बड़ा होगा तो यहाँ छाया में बैठ करके आनंद ले सकते हैं माँ के दर्शनों का, इस सुंदर दृश्य का, प्रकृति मैया का। हर हर गंगे मैया, और महाराज जी बैठे हैं और इनके चरणों में मैं आनंद ले रहा हूँ बैठ करके। हर 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 महादेव। महादेव मित्रों, अभी मैं यहाँ से जा रहा था तो एक नया विचार बाबा की कृपा से मन में आया। एक केंचुआ इधर से इधर पार कर रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि इधर भी वही घास है वही झाड़ियाँ हैं, इधर भी वही घास है और वही झाड़ियाँ हैं, फिर उसको इधर कौन सा नौकरी करने जाना है केंचुए को, वो क्यों इधर से उधर जा रहा है। तो यहाँ से सीखने को ये मिला कि यही दौड़ हम पूरा जीवन लगाते रहते हैं, हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट ना होकर नए के पीछे भागते रहते हैं, और जीवन जीना और शांति और प्रभु प्रेम प्रभु भक्ति इन सब को भूलकर इसी भागने में फंसे रहते हैं बस, इसी झाड़ियों में इसी जंजाल में। जय मुंडो मालेश्वरी माता जी, जय वीरभद्र महादेव जी, हर 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 महादेव, शिव शिव शंभो कैलाशपति जी, हर 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 गंगे मैया जी, हर 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 महादेव महादेव। मित्रों चबूतरे की चढ़ाई कर रहा हूँ, वैसे महाराज जी ने पहले करा दी थी, थोड़ी और कर रहा हूँ, और गमले के ऊपर कांटे वाली झाड़ी लगा दी है ताकि कोई गाय माता चबूतरे पर चढ़कर ऊपर से पौधा ना खा पाए। जय गंगा मैया, हर हर महादेव महादेव। मित्रों शमशान घाट में जब शिव परिवार की स्थापना हुई थी, शिवलिंग की स्थापना हुई थी, तब इन भाई ने वहाँ के लिए ईंटें अपनी ओर से दी थी, अपनी सेवा की थी। अब इन्होंने यहाँ से 400 ईंटें गई हैं, और क्या कहते हैं, 2 कट्टे सीमेंट गए हैं, 15 कट्टे डस्ट गया है, तो वो केवल सिर्फ मार्केट रेट के पैसे इन्होंने जोड़े, और उसके बाद उसमें से भी मार्केट रेट के हिसाब से 4600 रुपये बन रहे थे, और इन्होंने उसमें से 500 रुपये अपनी सेवा लगा दी उसमें भी, और 4100 रुपये प्रभु ने बोले हैं। और ये मुंह घुमा के इसलिए खड़े हैं, इन्होंने पहले भी मना कर दिया था कि मुझे वीडियो में मत दिखाओ, सेवा वीडियो में दिखाई नहीं जाती, दान का छपवाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो ऐसे उच्च विचार हैं इन प्रभु के, और आप भी भाई बहनों के ऐसे ही विचार मैं जानता हूँ, परंतु मेरा कर्तव्य है आप तक ये सुंदर चीज़ें पहुँचाना, आपका सहयोग और इन भाई जी का सहयोग आप लोगों तक पहुँचाना, ये मेरा कर्तव्य है। और तो 4100 रुपये इनको दे रहा हूँ, और 1400 रुपये मिस्त्री और लेबर की दिहाड़ी थी, तो मैं जोड़ता हूँ बाद में कितना हुआ। जय नंदी भगवान जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 गंगे मैया जी। मित्रों इस समय मैं जिस वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ ये है कल्प वृक्ष, कल्प तरु भी बोला जाता है, समुद्र मंथन में निकला हुआ वृक्ष, और जो कल्पना इस वृक्ष के नीचे की जाती है वो साकार होती है ऐसा कहा जाता है। और ये फल है कल्प वृक्ष का, और देखिए वो लटके हुए हैं, ये वृक्ष ऐसा होता है कि इनके फूल जो है नीचे लटके होते हैं ऐसी तरह, और ये देखिए यहाँ पर फल दिखाई दे रहा है, और मेरे हाथ में ये फूल है, और सुंदर ये ऐसे लटका हुआ होता है ऐसे। महादेव महादेव। और इस क्षेत्र से आगे मैं कभी नहीं गया हूँ, लक्कड़ घाट नामक स्थान है, बताते हैं बहुत सुंदर है, संभावना है कि आज मैं वहाँ जा सकता हूँ। जय मृगंगे मैया महादेव। बहुत अच्छा है ये काला बच्चा जो आप देख रहे हैं छोटा, इसके पैरों में समस्या है मित्रों, और ये चल नहीं पाती ठीक से, 2 दिन इसको हॉस्पिटल में रखा इन भाइयों ने, भाई बहन ने हमें, और इसकी सेवा की, और आज 2 दिन बाद इसको लेकर आए हैं, और ये बहुत खुश है दो यहाँ पर आकर के, और अच्छे से चल भी रही है अभी। अब पता नहीं इनका क्या इलाज कराया गया है, क्या उपचार किया है, और बहुत खुश है, वाह ये बहुत सेवा करते हैं इनकी, बहुत सेवा।
हम जैसे लोग डॉक्टरों के पास जाने का समय नहीं, कहाँ अरे कौन लेके जाएगा, छोड़ो ना, परंतु ये लोग वाह, माँ बाबा की इन पर पहले से ही कृपा है ताकि ये जिससे ये ऐसे काम कर रहे हैं। महादेव 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 हर हर गंगे मैया, जय मेरी गंगे मैया, महादेव हर 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 महादेव, शिव शिव शंभो कैलाशपति, जय मेरे बड़े शंकर महादेव, शिव शिव शंभो कैलाशपति महादेव। देखिए मेरे बाबा जी के चरणों में इनके कानों के कुंडल भी यही हैं, बिच्छू और इसी प्रकार के जीव जंतु नाग इनके गले में लिपटते हैं, और ये सेंटीपीड है और बहुत बड़ा है, और बाबा के चरणों में घूम रहा है, आनंद ले रहा है। शमशान वाले महाराज जी के यहाँ पर वाह सुंदर, जय हो महादेव, हर 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 गंगे मैया, हर 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 महादेव, शंभो तेरी जय हो, हर 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 महादेव, हर हर गंगे मैया जी, शंभो तेरी जय हो, हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों देखिए इनके पास खाने को एडवांस में यहाँ रखा रहता है, चाहे पेडिग्री हो, दूध हो, बिस्कुट, ब्रेड, रस, सब कुछ, परंतु इस दास की लाई हुई रोटियों पर ये ऐसे टूट कर पड़ते हैं और ऐसे मतलब आते लिपट जाते हैं मुझसे, ये सब माँ बाबा की कृपा है। देखिए ले महादेव, सब होता है इनके पास खाने को, परंतु रोटियों का बड़े ये चाव से खाते हैं माँ बाबा की कृपा से। कई रोटी खा चुके हैं, थोड़ा पेट भर गया, पेट तो पहले भी भरा रहता है इनका, हमेशा भरा ही रहता है, बाबा जी हमेशा भरा ही रखते हैं इनका पेट, परंतु ये चाव से खाते हैं घर की रोटियों को, माँ बाबा की कृपा है ये। महादेव महादेव, जय गंगे मैया, हर 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 महादेव, शंभो कैलाशपति। नहीं बाबा वो तो मैं पहले कह रहा हूँ कि कमी होती नहीं, ये तो घर की चाव में खाते हैं जी। महादेव शंभो क्या बना रहे हो आज? कुछ नहीं बनाया, दूध गरम करा शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध गरम कर दिया इनके लिए रख दिया, वाह सुबेरे देता हूँ ना जी जी, अब ये भर कर रख दिया रात भर पीने, वाह मजे हैं इनके शंभो। जय गंगा मैया, महादेव महादेव महादेव। सुबह के 5:45 बज रहे मित्रों, और ये देखिए सुबह सुबह, और एक बच्चे को कोई ले गया था और उसको भी फिर वापस कुछ दिन के बाद यहीं छोड़ गया, ये रहा वो चौथा। शंभव तेरी जय हो, जय मेरे गंगे मैया, महादेव महादेव महादेव, हर 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 गंगे मैया जी, हर हर महादेव। आज 11 अक्टूबर है मित्रों, अष्टमी और नवमी की आज पूजन है, कल दशहरा है, और देखिए चबूतरा बहुत सुंदर बन गया है, अभी अभी तराई की है, महाराज जी भी करा देते हैं वैसे, और अपना ये वृक्ष भी बहुत सुंदर हो रहा है, नए नए पत्ते भी आ रहे हैं, माँ बाबा की कृपा है। और मैं आया था मैया जी को भोग लगाने, और आजकल कंजकें तो मिलती नहीं हैं, तो हम तो संतों को माँ बाबा की कृपा से एक आध जो हमारा सामर्थ्य है रोटी खिला देते हैं, और हमारे संत देखो हमारा कृपा, हम पर कृपा कर रहे हैं, बड़े दयालु हैं ये संत, इनके चरणों से जितना मिल जाए आनंद है, माँ बाबा की कृपा है। हर हर गंगे मैया, गंगे मैया जी।